गोला थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह मेडिकल स्टोर संचालक जयप्रकाश यादव को असलहा सटाकर बदमाश 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मेडिकल स्टोर संचालक गोला थाना क्षेत्र के ग्राम छितौना का निवासी है। आपको बता दें, भर्रो कस्बे में जयप्रकाश का एक मेडिकल स्टोर है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे जयप्रकाश अपने मेडिकल स्टोर जा रहा था। वह अभी भर्रो कस्बे में पहुंचा ही था कि बाइक पर सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जयप्रकाश सुबह यह रुपया बाड़ी तरिया गांव के एक व्यक्ति को देने जा रहा था। जयप्रकाश के मुताबिक वह बैग को आगे गले में टांगकर लेकर बाइक से जा रहा था। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाइक से मौजूद थे। भर्रो में पहुंचते ही बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने असलहा सटाकर उसे रोका और बैग गले से निकाल लिया। बैग लेते ही 3 बाइकों पर सवार 6 बदमाश वहां से भाग निकले। जयप्रकाश ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है। उसकी सूचना पर पुलिस भी एक्टिव हो गई है। क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव बिंद, गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। बाद में पुलिस टीम जयप्रकाश को लेकर कई किलोमीटर तक उस दिशा में गई जिस तरफ से बदमाश फरार हुए थे। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आज सुबह गोला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए की सूचना प्राप्त हुई थी, जो पूछताछ के बाद पूरी तरह से संदिग्ध दिख रही है। वादी लगातार अपने बयान से गलत साबित हो रहा है। सूचना में उन्होंने कुछ और बात कही थी और तहरीर में कुछ अलग दिया है। फिलहाल तहरीर के आधार पर 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, गोला थाना क्षेत्र में आज सवेरे 7 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक जयप्रकाश यादव नाम के व्यक्ति से 7 लाख रुपए की लूट हुई। उनकी तहरीर पे मुकदमा गोला पुलिस ने लिख लिया है। घटनास्थल का निरीक्षण और बाकी से पूछताछ, ये तमाम चीजें और उनके द्वारा जो मौखिक बताया गया, जो लिखित दिया गया, उसमें तमाम कंट्रडिक्शन है, जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो एफआईआर में उन्होंने बताया है वो कथन सत्य नहीं है। कारण कि जिसका पैसा उन्होंने बताया कि जिन्होंने पैसा कल दिया था 7 लाख रुपए, और जिन्हें पैसा देना था, दोनों ने पूछताछ में दोनों मुकर गए, मैंने ना तो कोई पैसा दिया था और दूसरा पक्ष ना ही मुझे कोई पैसा लेना था। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी कहानी बताई, किसी और का पैसा था, उन्होंने कल दिया था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कल नहीं दिए थे कोई पैसा, 4 तारीख में कुछ पैसा उन्होंने जरूर दिया था। शुरुआती दौर में मौखिक उन्होंने बताया कि 3 मोटरसाइकिलों पे लोग थे, बाद में लिख के देना हुआ तो 2 मोटरसाइकिल बताए। इसके अलावा शुरू में उन्होंने बताया 7 लाख पैसा जो व्यक्ति ने दिया था वो था और 1 लाख मेरा था, लिख के देना हुआ तो मात्र 7 लाख दिया। तो ये तमाम कंट्रडिक्शन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मामला पूरी तरह संदेहास्पद प्रतीत होता है। फिर भी पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है, इस नाते हमने केस दर्ज कर लिया है और गहराई से उसकी छानबीन, जो हमारा परंपरागत पुलिसिंग का सिस्टम है उसके अनुसार, जो आज की तारीख में वैज्ञानिक सिस्टम है उसके अनुसार हम छानबीन कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि दूध का दूध पानी का पानी, जो कुछ भी हुआ वो सब सामने हो जाए। सर, इसमें अगर वादी ने गलत साबित किया है तो क्या आप प्रोसिक्यूशन करेंगे उनके खिलाफ? अगर आप देखिए, जो कानूनी उपबंध है हम तो उसी के दायरे में ही कार्यवाही करते हैं, तो उस दायरे में है कि अगर वादी ने गलत तहरीर दिया है, ये चीज हम कल प्रमाणित कर ले जाएंगे, आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन से साबित हो जाएगी, तो माननीय न्यायालय को जो रिपोर्ट दी जाती है तो विधिक उपबंधों में वो कार्यवाही हम करेंगे।